ठीक है, जुपिटर लगन से ट्रांजिट कर रहा है, वी हैव गॉट राहु केतु का एक्सिस अलाइंड इन द सेकेंड एंड द दिस सम कैप्रिकॉन सिटिंग इन द नवांश लगन, सही कि बहुत पेंडिंग कर्मा है भाई, सबको क्लियर आउट करेंगे। जब भी सन और एट हाउस का कनेक्शन होता था, आई प्रीवियसली उसे टोल्ड यू वो चीज़ें जो बाहर नहीं आनी चाहिए। सो 2013 में तुमको जो ट्रांजिट मिलता है वो भी सेम मिलता है जो कि तुम्हारा 2014 में है। सो अगेन 2013 में अक्टूबर में यू हैव गॉट सैटर्न केतु इन दिस एक्सेस ओनली 12 और 6th ओनली, बट द एक्टिवेशन ईयर हियर इज, विच एक्टिवेशन ईयर इज, वीनस एक्टिवेशन राइट, 10th हाउस। सो 10th हाउस से क्या अलाइंड है, 1 2 3 3 9 एक्सेस, 10th हाउस से 3 9 एक्सेस हो रहा है, एंड दैट इज वेयर द रिलेशनशिप इज कमिंग इनटू द पिक्चर। ठीक है, दैट इज व्हाई यहाँ पे इनको रिलेशनशिप दिया, और ये मैरिज के ड्यूरेशन में भी यही चीज बनी हुई है। ठीक है, मैरिज के ड्यूरेशन में भी तुमको यही चीज देखने को मिल रही है। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू सी कि यहाँ पे हो रहा है। देन डिवोर्स फाइल किया, फिर अगेन फाइल कर दिया, ये थोड़ा लंबा चला, ज्यादा समय तक टिका। अगेन 5th हाउस का एक्टिवेशन हुआ एंड डिवोर्स फाइल हो गया, राहु केतु अगेन केम टू द लगन। जब जब लगन पे आते हैं बोलते पैकअप करो, हो गया रिश्ता, अब दूसरा शुरू करते हैं, मजा नहीं आ रहा। ठीक है, इन बिटवीन दे हैड लाइक ना चिल्ड्रन, वो कपल हैज 4 चिल्ड्रन, नॉर्थ बॉर्न ऑन 15 2013, व्हाट इज हैपनिंग इन 15 2013 में क्या हो रहा है। सो यू हैव गॉट 9th हाउस एक्टिवेशन, मून का एक्टिवेशन है। अब बोलेगा 9th हाउस का सर एक्टिवेशन है, बताओ ये तो कोई भी चिल्ड्रन से लियो होना चाहिए था ना, एक्सपेक्टेड क्या होता है 5th हाउस का एक्टिवेशन, तो तुम्हें आना चाहिए कि सर टेक्निक तो आपकी फेल होती रहती है, आप तो कुछ भी पढ़ाते रहते हो, मून इन तो बोलो ना लियो, हाँ मून इन लियो। नहीं रे, ये तो ट्रांजिट का चार्ट है, एक्टिवेशन 9th हाउस है, नाउ लुक एट द एक्टिवेशन, ये है एक्टिवेशन ओरिजिनल, एंड मून इज सिटिंग वेयर, इज इन से 5th हाउस, मून इज सिटिंग इन 5th हाउस करेक्ट, ये 9th, ये और लगन चार्ट से एक्टिवेशन तो लगन चार्ट से देखते हैं ना, तो मून इज हेयर, एक्टिवेशन ऑफ कैंसर इज गिविंग मून का रिजल्ट दैट इज देयर। तो अभी तुमको मालूम है कि एक्टिवेशन में एक्टिवेटेड हाउस से सिमिलर रिजल्ट तुमको मिलेगा जहां पे वो प्लेस्ड होगा। ठीक है, पहला बच्चा सेंट बॉर्न ऑन दिसंबर 2015, सेंट कहाँ है अपने 2015 ये रहा। ठीक है, बॉर्न 12th हाउस का एक्टिवेशन है, ठीक है 12th हाउस का एक्टिवेशन है, बट 12th हाउस का एक्टिवेशन है वीनस, तुमको ये वाला हाउस एक्टिवेटेड मिला है। ठीक है, लुक लुक एट द चार्ट, ये वाला हाउस एक्टिवेटेड है 12th हाउस का, वीनस उठ करके कहाँ बैठा है, लियो के साइन में बैठा है, तो एक्टिवेशन के हिसाब से लियो एक्टिवेट हुआ। ठीक है, इसमें सन दोनों मतलब दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, बट वेर इज राहु केतु, वेर इज राहु केतु, 12th हाउस का एक्टिवेशन हुआ, राहु केतु इज ट्रांजिटिंग थ्रू हर 5th एंड 11th हाउस गिविंग हर अनदर बेबी। ठीक है, अनदर बेबी का बॉर्न होता है, हर थर्ड चाइल्ड इज वेयर लाइक ना नन ऑफ माई टेक्निक्स वर्क, एंड आई डोंट नो वॉट इज द स्टोरी विद थर्ड चाइल्ड। ठीक है, 2009 में 2019, तो आई एम फ्रेंकली टेलिंग यू कि दिस टेक्निक डज नॉट वर्क। थर्ड हाउस एक्टिवेशन है, दिस हाउस जुपिटर लगन से ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है, जुपिटर लगन से ट्रांजिट कर रहा है, वी हैव गॉट राहु केतु का एक्सिस अलाइंड इन द सेकेंड एंड द दिस हाउस, सेकेंड एंड द 8th हाउस, थर्ड हाउस का ओरिजिनल एक्टिवेशन है। सो नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन द थर्ड हाउस। सो थर्ड हाउस इज सैटर्न का हाउस है, सैटर्न सिट्स इन 11th हाउस विद जुपिटर। ठीक है, दैट इज ओनली थिंग दैट वी कैन से हियर इज कि बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन इज कि भाई जुपिटर का एक्टिवेशन मिला हुआ है, तो इसलिए चाइल्ड और ये सारी चीजें का वो आ रहा है, बट आई एम नॉट प्रिटी कन्विंस्ड विद दैट थिंग, प्रिटी नॉट प्रिटी कन्विंस्ड विद द होल थिंग। एक्टिवेशन ईयर से, जो एक्टिवेशन ईयर से उससे राहु केतु अलाइन नहीं है, एक्टिवेटेड जहां वो है 1 2 3 4 वो भी अलाइंड नहीं है, सो आई डोंट नो हाउ दिस चाइल्ड इज बॉर्न और दिस इज अडॉप्टेड, ये भी मुझे थोड़ा सा श्योर नहीं है, सो आई विल लुक इट इन टू इट कि बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आई नेव नॉट वर्कड ऑन इट मोर, बट मैं तुमको बताता हूँ कि मेरे को जहां नहीं दिखता है तो मेरे को नहीं दिखता है, एंड इट्स ओके बिकॉज समटाइम्स मदर का चार्ट सरोगेसी, बहुत प्रोमिनेंटली नहीं कह रहा हूँ। शी हैज डन सरोगेसी, ओ इज इट, या ओनली दैट फर्स्ट दैट नॉर्थ इज हर लाइक फर्स्ट टू चाइल्ड आर ओनली हर, अदर्स आर ऑल सरोगेट्स. दैट्स ब्यूटिफुल ना, दैट्स ब्यूटिफुल,
चलो अच्छा हो, मैंने कुछ भी लगाने की कोशिश नहीं करी, जो सत्य था मैंने वही बोला। बड़ा दर्द होता है, मेरे को नहीं दिख रहा चार्ट में भाई, मैं क्या बोलूँ इसको, ये पता नहीं कहाँ से बच्चा आ गया, तो मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था। तो आई सेट कि ये दिख नहीं रहा है मेरे को, तो उसी सी का दैट्स ना हाउ सेकंड, थिंग्स हैपन। सो सेकंड का वी कैन हाँ से नो यू 12th हाउस ना, सेकंड का 12th हाउस एक्टिवेटेड है, तो दैट इट बी 3rd हाउस विल बी द 7th हाउस नो, सॉरी द सेकंड चाइल्ड विल बी 7th हाउस राइट, सो दे बोथ हैव वीनस नो एज लॉर्ड. ओ अच्छा, ऐसे भी देखने का जरूरत नहीं है ना, ये तो ये सिंपल है यार। सी जो लिब्रा एक्टिवेटेड है दैट लॉर्ड इज सिटिंग इन लियो, ठीक है, जो मेन चार्ट है, दिस इज द तो एनी मेन चाइल्ड चार्ट। तो एनी चाइल्ड हैज टू कम इनटू द पिक्चर, टॉपिक तो चिल्ड्रन का होने वाला है ना ईयर एक्टिवेशन के हिसाब से, बट उसमें ट्रांजिट मैटर कर गया, ट्रांजिट राहु केतु का है 5th 12th में, तो चाइल्ड बता दिया, तो सर अडॉप्शन इजी था। कहाँ से देखता है अडॉप्शन, नक्षत्र से, विदाउट नक्षत्र यू कैन नॉट सी। सो दिस इज सरोगेसी इज आल्सो लाइक फॉरेन होनी नो, सो राहु विल कम नो. नहीं ऐसा नहीं है, तुमको मैं इंडियन चार्ट्स में भी दिखा सकता हूँ। ये नक्षत्र में भरनी आता है, देयर इज अ नक्षत्र कॉल्ड भरनी, एंड व्हेन दैट प्ले सम प्लेसमेंट्स आर देयर ऑफ भरनी, भरनी इज द नक्षत्र फॉर वूम, दैट इज रिगार्डिंग सरोगेसी एंड ऑल दोस थिंग्स। सो प्लेसमेंट ऑफ भरनी इन सर्टेन हाउसेज लाइक इन दिस प्लेसमेंट कैन गिव यू सर सेरेमनी। सर हियर हाउ डू वी सी द मेन चार्ट एंड देयर इतने मैरिजेस है ना, सो मेनी मैरिजेस. मेन चार्ट देख करके कैसे बताएं कि शादी में इतने सारे चीजें हैं। मेन चार्ट में देखो अपने को देखने पे कहाँ से देखना होता है, सिंपल था लॉजिक है ना, बहुत सिंपल है। मैरिज में रिलेशनशिप है कि मैरिज है, पहले क्वेश्चन ये उठना है, रिलेशनशिप पूछ रहे हो मैरिज पूछ रहे मैरिज होनी बिकॉज प्रॉपरली मैरिज इज हैपनिंग ना. हो। तो देखो 9th हाउस देखो इसका, व्हाट इज द साइन फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंसर तो यू डो डेफिनेटली नो एक तो शादी जाएगा। इज देयर जेमिनी समबडी हु इज स्टॉपिंग दैट? अगर यहीं पे कोई ऐसा प्लैनेट मून ऐसे जगह पे बैठ जाए जहां पे सैटर्न हो, या फिर कोई इसको रोकने वाला हो, मून को रोकने वाला हो, कोई थामने वाला हो, सैटर्न थाम सकता है, केतु थाम सकता है, ठीक है, दो दीज टू प्लैनेट्स कैन स्टॉप हिम, और सूर कैन बर्न इट, मून की मतलब मून का जल को उड़ाना है। अभी मून इज सिटिंग इन पाइसेस पूरा, और पानी में, और नदी के पानी में वो और चाई चपा के चाई कर रहा है, सो इज टोटली टोटली इंजॉइंग दिस। सो डेफिनेटली मेरे को मालूम है कि तो एक तो शादी इसका जाएगा, फिर दूसरा आएगा डेथ एंड रीबर्थ वाला कॉन्सेप्ट तो तुमको मिल गया। अब वहां पे बैठने वाला एक और महारथी है राहु, है कि नहीं? अब वो राहु बैठा हुआ है, ही इज टेलिंग कि भैया मैं तो और आग लगाऊंगा यहाँ पे, मेरा काम है तुम्हारे, अगर एक रिजल्ट तुम देने वाले तो मैं 4 दूंगा, मेरा काम तो यही है, मेरा मैं नाइट्रो बूस्टर हूँ, मेरे को सब कुछ बढ़ा देना है। सो दैट इज व्हाट राहु इज डूइंग। सो अब जो एक होनी थी, दो होनी थी, वो अब वो दसियों हैं, हमें आपको मालूम है ना, तीन तो वो दसियों हैं, ठीक है, तो दैट इज हाउ राहु इज। बट वही है कि दैट अभी यहाँ पे वीनस को हम देखें तो वीनस पिटा हुआ नहीं है, वीनस इज इन फुल ग्लोरी में, इन सिटिंग इन द 10th हाउस, दैट इज वन प्रॉब्लम, बट सिटिंग इन लियो साइन दैट्स गुड प्लेसमेंट, और कोई वहां पे ये नहीं है, मतलब नवांश खोलते ही तुमको शादी का चैप्टर क्लियर हो जाएगा, नवांश खोलते ही चैप्टर क्लियर होता है, ठीक है। सो वी लुक्ड इनटू नवांश के, अभी नवांश का में तुमको सैटर्न डेबिलिटेट करके वो मिला हुआ है, ठीक है, एंड देन यू हैव गॉट राहु ओवर देयर इन द दिस थिंग, क्लियर है? सर ये तो वीनस लाइक सन मेन चार्ट में इट्स लाइक डेबिलिटेटेड एंड ऑल्सो सन डेबिलिटेटेड, ये बिल्कुल ऑल्सो सही बात 12th हाउस में मतलब इट्स नॉट है, लाइक हाँ डेबिलिटेटेड करेक्ट है, पोजीशन होगी, हाँ तो भी करेक्ट सर है, पेन किस मतलब लाइक हाँ यही तो, मतलब इफ दिस यही वाज यही लाइक अ कॉमन पर्सन चार्ट लाइक इफ वी डिडंट नो, तो मतलब ये सन भी मतलब वीनस का 10th हाउस का भी डिपॉजिटर एंड सन इटसेल्फ इज इन 12th हाउस, सो हाँ 12th हाउस यही रिलेटेड होता मैटर से फेम मिला है इसको, ऐसा नहीं. है, वैसे भी कह सकते हैं 12th हाउस रिलेटेड मैटर से फेम मिला, ऐसा भी सोच सकते हैं, रिलेशनशिप मैटर से फेम मिला, ये भी कह सकते हैं।
बट अगर ये कुछ कॉमन वेयर पर्सन का चार्ट होता तो मतलब अगर वो पूछता कि मैं फेमस होऊंगा या नहीं तो हाँ मतलब कैरेक्टर सर सेड ना सर स्कॉर्पियो ईयर में यू पे बाय बॉडी, तो उसका 6th हाउस में है, हाँ 8th होने से एवरीथिंग लाइक एवरीथिंग शी इज अर्निंग और शी डूइंग हार्ड वर्क ऑन हर बॉडी एंड ऑल हाँ एवरीथिंग प्लास्टिक. शी इज डूइंग फॉर बॉडी ओनली ना उसका लिखना हर लिखना देर इज अ होल फेसबुक पेजेस ऑफ रिगार्डिंग हर बट ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ हर बट देर इज अ फुल लिखना फुल ऑन पेजेस फेसबुक पेजेस जिसमें देर इज ओनली बट फोटोज एंड नेकेड फोटोज लिखना उनका यही चल रहा है. सो दैट इज हाउ यू सी जो एरीज का है जाना दैट इज वेरी प्रोमिनेंट सर राहु इज प्लास्टिक और लाइक प्लास्टिक, वो प्लास्टिक सर्जरी बट का कराते तो रहते नहीं. हैं, बोटॉक्स वोटॉक्स. राहु की वजह से है यहाँ पे देर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ राहु सर इन जनरल अगर राहु रिलेटेड होगा तो कराएंगे क्या, मतलब लोग ज्यादा ये सब प्लैनेट से. एक्चुअली नहीं नहीं ऐसा नहीं है. मैं बता दूं ये सब चीजें नक्षत्र से आती हैं ये जो बातें हैं कि कौन कराएगा कौन नहीं कराएगा तुम्हें हिस्ट्री में उठा के देखनी पड़ेगी किस देवता का प्लास्टिक सर्जरी हुआ है ठीक है किस देवता देवी देवता ने प्लास्टिक सर्जरी कराया और कराई है. मतलब मैं तुमको नक्षत्र में जब पढ़ते हैं तो वो समझाता हूँ कि कौन सा नक्षत्र है ऐसा प्रोमिनेंस जिसमें ये चीजें तुमको देखने को मिलेंगी ठीक है. तो यहाँ पे राहु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो देता है ये चीजें ठीक है. अश्लेषा का नक्षत्र है यहाँ पे भी कुछ लोग प्रेजेंट है जो अश्लेषा के हैं और उन्होंने भी सर्जरीज करा रखी हैं ठीक है. सो दैट इज वेयर यू सी कि अश्लेषा नक्षत्र होते ही वो आपको सर्जरीज देने वाला है. सर इनका सर असलियत यहाँ भरनी है मतलब सर यहाँ पे मार्क जैसे मैं मार्क देखना था उनका जैसे वीनस हमारा एंजॉयमेंट कैपेसिटी को डिनोट करता है और वो लियो में है तो लियो उसका एनिमिकल साइन है. फिर ऑलरेडी वो वीनस पाप कर्तरी में है इधर सैटर्न है इधर राहु है तो इसका ये वीनस का जो पाप इम्पैक्ट कत्री का टर्म आपका उधार का है ये मैंने कभी पढ़ाया नहीं अच्छा नहीं आप सॉरी उनसे माफी पूछो चाहता कि हूँ माफी जिन चाहता जिन्होंने आपको पढ़ाया हूँ. मतलब जैसे शास्त्रों में लिखा मिला किताबों में लिखा मिला सब वीडियो में देखा मिला तो वो इसकी इंजॉयमेंट कैपेसिटी को कम करता है बस कुल मिला के मेरा ऐसा ये है. तो चूंकि वीनस इसका ऑलरेडी एनिमिकल साइन में है और इसके तीन ओके मैरिजेज हुए और कोई भी वीनस संबंधित कोई भी इनका रिश्ता मतलब स्टेबल नहीं हुआ तो शायद ये भी कारण रहा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी चीजें इनके पास नहीं रही वीनस संबंधित एंजॉयमेंट के लिए. यार कोई एंड लाइन रियली डोंट कैन से दैट लेकिन आई क्योंकि वुड जैसे कि सिवाय सिवाय मतलब आपको लगता है क्योंकि इनके पास बॉयफ्रेंड हमेशा रहा बॉयफ्रेंड हमेशा रहा मतलब एक के बाद एक इट वाज लाइक लाइन. सो आई डोंट थिंक कि वहां पे कहीं कोई वो है पैसा फूंक के रहा नेम फेम रिकग्निशन फूंक के रहा तो अब बचा क्या. तो आप किस चीज की कमी के को कहना चाहेंगे किसी भी चीज को नहीं कह सकते. दिस मार्स इन लिब्रा ना यू आर अंडर सेटिस्फेक्शन एस्टिमेटिंग वो इट्स पावर. सेटिस्फेक्शन नहीं. अगर वो ठहराव होता वीनस अगर सही जगह प्लेस होता तो बट जिन ठहराव होता वो ठहराव नहीं मिला. जे आई थिंक जब नवाज का लगन लॉर्ड इज डेबिलिटेटेड यू कैन से इन एनी वर्ड्स कि ये नहीं मिला या वो नहीं मिला इज जस्ट कम डाउन टू दिस थिंग कि भाई देर इज अ लॉट ऑफ पेंडिंग कर्मा रिगार्डिंग दिस मैरिज वेयर देर इज अ लॉट ऑफ कार्मिक कैप्रिकॉर्न सिटिंग इन द नवांश लगन. सही कि बहुत पेंडिंग कर्मा है भाई सबको क्लियर आउट करेंगे इस साल में. यहां से ये बात ठीक है. सर एंड ऑल्सो दिस जेमिनी यू नो इन द 8th हाउस, तो आधा चीज इज ऑल हिडन एंड नथिंग इज पब्लिश्ड एंड द मर्करी इज ऑल्सो गोइंग टू द 12th हाउस. करेक्ट है करेक्ट है. थिंग्स आर नहीं नॉट सर सब ओपन क्लियर है, थर्ड जेमिनी एंड मैं आई फॉलो आई जो लाइन ओपन दिखता नहीं है. होना चाहिए था वही ओपन है. नहीं जो दिखता है वो नहीं, अंदर भी कुछ है ना, सोनी नॉट सीन. ओके बट सर सिबलिंग्स ऑल मैरिड लाइफ इज नॉट और लाइक रिलेशनशिप सिबलिंग्स 3rd हाउस ऑल्सो इज नॉट, ऑल आवर सिबलिंग्स आर हैविंग इश्यूज. हाँ. सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू राइट 8th हाउस में सन बैठ जाए सो सन सी यहाँ पे 8th लॉर्ड मकरी इज सिटिंग टुगेदर विद सन इन 12th हाउस. सी जब भी सन और 8th हाउस का कनेक्शन होता था आई प्रीवियसली उसे टोल्ड यू राइट वो चीजें जो बाहर नहीं आनी चाहिए लाइक वो प्राइवेट भी लाइफ है सेक्शुअल लाइफ वो भी बाहर आ जाती है. सो दैट इज हैपनिंग ठीक है करेक्टली. देन सिबलिंग्स का मैरिज भी ठीक नहीं है. नाउ लुक एट सिबलिंग्स चार्ट सिबलिंग भी तो लग्न पे ही मंगल बैठे हैं सिबलिंग को इनसे अलग सिबलिंग भी सेम ही है सेम ही प्रजाति है.
लगन का मंगल होने मतलब आप और भाई बहन सब एकदम चट्टे पट्टे हो, सब एक थाली के चट्टे पट्टे, सब एक जैसा सोचते हैं, तो वही मंगल हो गया। एंड देन थर्ड हाउस से भी सेवेंथ हाउस, ठीक है, थर्ड हाउस से सेवेंथ हाउस, वो भी सेम चीज बताता है।